अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, यूरोपियन हिस्ट्री के आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट वन में। हमारा टॉपिक है द ओरिजिन्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1890 टू 1914, यानी पहली जंग के असबाब क्या थे। और इसमें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेज एंड काउंटर अलायंसेज, देन बाल्कन वार 1912 टू 1913 एंड द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इतिहाद और मुतजाद इतिहादों की तश्कील के पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 19 सेंचुरी के आखिर में यूरोप में इतिहादों की तश्कील की बुनियादी वजूहात क्या थी और ट्रिपल इतिहाद के कौन से ममालिक शामिल थे, उसका मकसद क्या था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल एजेंट के तश्कील ने ट्रिपल इतिहाद की बढ़ती हुई ताकत का जवाब कैसे दिया। इतिहादी निज़ाम ने यूरोप में तनाव को किस तरह से बढ़ाया था। दूसरा हमारा पॉइंट है बाल्कन वार का, तो इसमें बाल्कन के इलाके को यूरोप का पाउडर केक क्यों कहा जाता है, इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि पहली बाल्कनी ने जंग के दौरान बाल्कनी लीग का बुनियादी जो है मकसद क्या था, पहली और दूसरी बाल्कनी जंगों के नतायज क्या थे, बाल्कनी जंगों ने सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के दरमियान तनाव में किस तरह से इजाफा किया था। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और पहली आलमी जंग के आगाज जो था, यानी इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि आर्चडुक फ्रांस फर्डिनेंड कौन थे और उनके कत्ल को क्यों अहमियत दी जाती है या उनका कत्ल क्यों अहमियत रखता था। तो ऑस्ट्री हंगरी का सर्बिया के लिए अल्टीमेटम क्या था, उनके जंग का ऐलान की वजह क्या बना, जर्मनी के खाली चेक ने ऑस्ट्री हंगरी के जंग के फैसले के ऊपर किस तरह से असर डाला था। उसके बाद हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि इतिहादों का डोमेनो असर तनाज़े के दौर में फैलने का बायस कैसे बना। और लास्ट में हम देखेंगे कि पहली आलमी जंग के आगाज में शामिल बुनियादी अवामिल क्या थे, बाल्कन में कौम परस्ती ने यूरोप में तनाव बढ़ाने में क्या किरदार अदा किया। तो इसमें तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेज एंड काउंटर अलायंसेज, इसके बैकग्राउंड क्या है कि बाय द लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन पावर्स वर फॉर्मिंग अलायंसेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड रेटर एग्रेशन। द प्राइमरी रीजन फॉर दीज अलायंसेज वाज म्यूचुअल प्रोटेक्शन, बट दे ऑल्सो इंक्रीज टेंशन एंड सस्पेशन अमंग राइवल कंट्रीज। जो पहली आलमी जंग का आगाज था, इसमें इतिहाद और मुतजाद इतिहादों की तश्कील अमल में आई थी। इसका यूरोप में इतिहादों का पस मंजर क्या है कि 19th सेंचुरी के आखिर तक यूरोपी ताकतें जो हैं वो अपने आप को तहफ़ फराहम करने में, जहरियत को रोकने के लिए इतिहाद जो है वो तश्कील दे रही थी। और इन इतिहादों का जो बुनियादी मकसद था वो आपस का यानी तहफ़ था, म्यूचुअल प्रोटेक्शन था। तो उन्होंने हरीफ ममालिक के दरमियान तनाव को और शक को बढ़ा दिया। उसके बाद ट्रिपल अलायंसेज है 1882, और इसके मेंबर्स कौन से थे ट्रिपल इतिहाद के जो कि 1882 में हुआ था। इसके मेंबर्स थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। अब इसका पर्पस क्या था कि जर्मनी जो एक नए मुतहद और ताकतवर रियासत के तौर पर उभरा था, इसने अपने मकाम को यूरोप में महफूज करने के लिए इतिहाद तलाश किए थे। और ये जो इतिहाद था इन ममालिक की फ्रांस और रूस के खिलाफ हिफाजत के लिए बनाया गया था जो दो ताकतवर हरीफ थे। तो जर्मनी के चांसलर ओटो वन बिस्मार्क का मकसद जो था वो फ्रांस को सफारती सतह के ऊपर अलग करना था, आइसोलेट करना था। तो इस तरह से जर्मनी ने फ्रांको प्रशियन जंग 1870 और 71 में उसको शिकस्त दी थी। इसके मकासद क्या थे, इसके हदाफ क्या थे कि अरकान ने इस बात के ऊपर इतफाक किया कि वो किसी हरीफ की तरफ से हमले की सूरत में एक दूसरे की हमायत करेंगे, खासतौर पर फ्रांस या फिर रूस की जानब से। उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं ट्रिपल एटनेट का 1907। तो ट्रिपल एटनेट है जिसके मेंबर्स जो थे उनमें बरतानिया था, फ्रांस था और रूस था। और इसका मकसद क्या था कि ट्रिपल एटनेट का क्याम जो था वो ट्रिपल इतिहाद की बढ़ती हुई ताकत के जवाब में हुआ था। तो बरतानिया ने इब्तदाई तौर पर इतिहाद करने से गुरेज किया था, लेकिन जर्मन बहरी ताकत के बढ़ने ने उसे मोहताज कर दिया था। So in 1904 Britain formed the Entente corridor with France, and in 1907 Britain joined with Russia to form the Triple Entente. So 1904 में बर्तानिया ने फ्रांस के साथ एटनेट कॉरिडोर कायम किया था और 1907 में बर्तानिया ने रूस के साथ मिलकर ट्रिपल एटनेट कायम किया। अब इसके हदाफ क्या थे कि ये जो इतिहाद था ट्रिपल इतिहाद की तरह बाकायदा नहीं था, लेकिन ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया के असर रसूख के खिलाफ एक बामी समझौता की नुमाइंदगी करता था। इम्पैक्ट ऑफ अलायंसेज ऑन यूरोप, इतिहादों का यूरोप के ऊपर क्या असर था। तो इतिहादों की तश्कील ने यूरोप में दो अहम ताकत के ब्लॉक बना दिए थे जिसने हरीफ इतिहादों के दरमियान दुश्मनी और मुकाबला बढ़ा दिया था। और ये इतिहादी निज़ाम जो था वो इस बात का बायस बना कि अगर एक रुकन ममालिक कोई तनाज़ा हो, एक रुकन ममालिक में अगर कोई तनाज़ा होता है
तो वो जल्द ही बाकी जो इतिहादी मुमालिक हैं उनको वो शामिल कर लेता था, जिससे बड़ी सतह के ऊपर जंग की सूरत हाल पैदा हो जाती थी। उसके बाद बलकान वास 1912 टू 1930, बलकान की जंगें क्या थी जो कि 1912 से 1913 तक हुई। तो इसमें पाउडर के क्या था कि बलकान का इलाका जो था वो साउथ ईस्टर्न यूरोप यानी जनूब मशरकी यूरोप में वाक़ है और नस्ली तनाजात और कौम परस्ताना ख्वाहिशात का ये मरकज था। और इसको जो है यूरोप का पाउडर केक कहा जाता है क्योंकि इस इलाके में कई तनाजात और कौम और नस्ली गिरोहों के दरमियान जो है वो यानी कन्फ्लिक्ट राइवलरीज मौजूद थी, रंजिशें मौजूद थी। तो इसमें जो सरेबिया था, यूनान और बल्गारिया, इसके अलावा मोंटेग्रो, सब ने आज़ादी या फिर अपनी सरजमीन की हासूल के लिए कमज़ोर उस्मानी सल्तनत के खिलाफ उन्होंने जदोजहद की थी, जो अब भी बलकान के कुछ हिस्से के ऊपर कंट्रोल रखती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं द फर्स्ट बलकान वार 1912 यानी पहली बलकानी जो जंग थी 1912 में हुई थी। इसका बैकग्राउंड क्या था कि बलकानी जो लीग है जिसमें सरेबिया, यूनान, बल्गारिया और मोंटेग्रो इसके अंदर शामिल थे, तो इसने उस्मानियों को यूरोप से निकालने के लिए इतिहाद किया था। अब इसका नतीजा क्या निकला, इसके आउटकम क्या था कि बलकानी लीग ने उस्मानी सल्तनत को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में लंदन के मुआहदे यानी कि 1913 के तहत उस्मानियों को अपनी यूरोपीय सरजमीनें छोड़नी पड़ी थी। तो बलकानी लीग के अरकान के दरमियान सरजमीन के ऊपर तनाजा जो था वो भरने लगा था, जिसने नए तनाजात पैदा कर दिए। उसके बाद दूसरी बलकानी जंग जो हुई थी 1913 के अंदर, इसका जो है क्या यानी कि असर था, इसबाब क्या थे, इसकी कॉजेज क्या थे कि जो यानी पहली बलकानी जंग थी उसमें जो हासिल करदा सरजमीन थी उसके ऊपर तनाजात ने बलकानी इतिहादियों के दरमियान तसादम पैदा कर दिया था। सो बल्गारिया जो अपने सरजमीन के हिस्से से नाखुश था और सरेबिया और यूनान के ऊपर भी उसने हमला कर दिया। उसके बाद इसका नतीजा क्या था कि सरेबिया, यूनान और रोमानिया ने बल्गारिया को शिकस्त दी। और उसके बाद बुखारेस्ट का जो मुआहदा था वो हुआ था और ये 1913 में तय पाया था, और बल्गारिया ने नुमाया जो सरजमीन थी यानी उसको सरेबिया की ताकत यानी उसकी सरेबिया की ताकत इससे बढ़ गई थी, और जिससे उसके जो असर रसूख था उसमें इसका इजाफा हो गया था। सो इम्पैक्ट ऑफ द बलकान वार, फिर बलकानी जंगों के असरात क्या थे। द बलकान वार इंटेंसिफाइड टेंशन इन यूरोप, सरेबिया ग्रोइंग पावर अलार्म ऑस्ट्रिया हंगरी विच व्यूड सरेबिया एज अ थ्रेट, द नेशनलिस्ट एम्बिशंस इन द बलकान्स आल्सो इंक्रीज हॉस्टिलिटीज बिटवीन सरेबिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी सेटिंग द स्टेज फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। सो बलकानी जंग ने यूरोप में तनाव को बढ़ा दिया, सरेबिया की जो बढ़ती हुई ताकत थी उसने ऑस्ट्रिया को, हंगरी को बेचैनी में मुब्तला कर दिया था। सो जिसने सरेबिया को खतरा समझा तो बलकान में कौम परस्ती की ख्वाहिशात ने सरेबिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के दरमियान दुश्मनी को भी बढ़ा दिया, जो तनाजा की राह को हमवार कर रहा था। तो अब हम अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पहले जंग का आगाज। तो इसमें जो असैसिनेशन हुआ था, आर्चडुक फ्रांस फेर्डिनेंड का कत्ल हुआ था। तो फ्रांस फेर्डिनेंड कौन थे, आर्चडुक फ्रांस फेर्डिनेंड ऑस्ट्रिया और हंगरी के ताज के वारिस थे, और उनका 28 जून 1914 को साराजू में गवेरलो प्रिंसिप के जो सर्बी कौम परस्ती थी उसके हाथों उसका कत्ल हुआ, और पहली जंग का ये फिर फौरी सबब बना था। अब नेशनलिज्म का इसमें क्या किरदार था कौम परस्ती का, कि प्रिंसप ब्लैक हैंड थे, नामी एक सर्बी थे यानी कौम परस्त ग्रुप का एक रुकन था, उसका यह यकीन था कि फ्रेडिन का कत्ल जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी में स्लावी लोगों की आज़ादी में मददगार साबित होगा, तो जो बलकान में शदीद कौम परस्ती को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अकासी करता है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी रिएक्शन एंड द ब्लैंक चेक फ्रॉम जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी का रद्दअमल और जर्मनी से जो खाली चेक था वो क्या था कि ऑस्ट्रिया का अल्टीमेटम क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो सरेबिया पर लगाया, और सख्त मुतालबात के साथ एक अल्टीमेटम उन्होंने जारी किया कि जब सरेबिया ने मुकम्मल तौर पर उनकी दरख्वास्तों पर अमल नहीं किया तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सरेबिया के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। अब जर्मनी की सपोर्ट क्या थी, जर्मनी की हमायत की, जर्मनी जो ऑस्ट्रिया हंगरी के इतिहादी था उसने ऑस्ट्रिया की मुकम्मल हमायत का वादा किया, जिसे खाली चेक कहा जाता है, जिसको यानी ब्लैंक चेक कहा जाता है। जर्मनी की हौसला अफजाई ने ऑस्ट्रिया हंगरी के जंग जाने के फैसले के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा किया था। अब उसके बाद है डोमिनो इफेक्ट ऑफ द अलायंस यानी इतिहादियों का डोमिनो असर, इसकी रशिया मोबालाइज किया था कि रूस जो ट्रिपल एजेंट के तहत
सर्बिया का इतिहादी था तो आसिया के सर्बिया पर हमले के जवाब में अपनी अफवाज को वो मुतहरिक करता है। सो जर्मनी का रूस और फ्रांस के खिलाफ ऐलान जंग था कि जर्मनी ने आसिया की हमायत में रूस के खिलाफ जो है वो 1 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ 3 अगस्त 1914 को जंग का ऐलान किया था। सो उसके बाद जर्मनी यानी के जो जंग का ऐलान हुआ तो बरतानिया का जंग में दाखिला था कि जर्मनी का बेल्जियम और एक गैर जानबदार मुल्क पर हमला बरतानिया को जर्मनी के खिलाफ जंग में शामिल होने के ऊपर मजबूर करता है। तो 4 अगस्त 1914 को यानी के हुआ था जो बरतानिया ने बेल्जियम को गैर जानबदारी के तहफ़ और जर्मन जहरियत के खिलाफ लड़ने के लिए जंग के अंदर दाखिल हुआ। देन स्प्रेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस यूरोप, तो यूरोप में तनाज़ा की वसत क्या थी कि इतिहादी निज़ाम की मौजूदगी में जो एक इलाकाई तनाज़ा था वो जल्द ही पूरे यूरोप में फैल गया था और दोनों जो इतिहादी थे उसमें शामिल ममालिक जंग में शामिल हो गए थे और फिर जल्द ही कौम जो तमाम बड़े यूरोपी ताकतें जो थी वो पहली आलमी जंग में शामिल हो गई थी। सो पहली आलमी जंग के असबाब जो थे वो पेचीदा अवामिल उसके अंदर अवामिल शामिल हैं जैसे कि हरीफ इतिहादों की तश्कील है, बल्कानी जंगें हैं, यूरोप में बढ़ती हुई कौम परस्ती है, इस तरह से जो ट्रिपल इतिहाद और ट्रिपल एथनिक के इतिहाद उसने यूरोप को तकसीम कर दिया था जिसकी वजह से हर तरफ एक दूसरे के इरादों के ऊपर शक करने का माहौल बना था। सो इस तरह बल्कानी जंगों की सूरत में कौम परस्ती के तनाव ने भी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया, खासतौर पर सर्बिया के जनूब मशरकी यूरोप में ताकत के अरूज के साथ। फिर अचडिक जो था अचडिक यानी फ्रेडिनेंड के कत्ल ने इस तनाव की सूरत हाल में यानी कि एक फ्रेम का काम किया, एक चिंगारी का उसने काम किया था कि जिसके नतीजे में ऐसे वाकयात का सिलसिला शुरू हुआ जो तमाम बड़ी ताकतों को जंग में यानी कि उसने खींच लिया। सो अलायंस सिस्टम बल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सीरीज ऑफ द एस्केलेटिंग रिस्पॉन्सेस द असैसिनेशन ऑफ द आर्कटिक फ्रेडिनेंड टर्न्ड रीजनल डिस्प्यूट्स इनटू अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, यानी इतिहाद का निज़ाम बल्कि तनाज़ात और आर्कटिक फ्रेडिनेंड के खतरे के रद्दअमल बढ़ते हुए तनाज़ात ने एक इलाकाई झगड़े को आलमी तनाज़े में तब्दील कर दिया। इस तरह से पहली आलमी जंग का आगाज यह जाहिर करता है कि किस तरह से बाहमी ताल्लुकात और कौमी मफाद जो हैं वो मकामी वाक़यात को बड़े सतह के ऊपर जंगों में तब्दील कर सकते हैं जो यूरोप और दुनिया की तारीख का रुख तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस किया है कि इतिहादों और मतदार इतिहादों की तश्कील को पहली जंग के आलमी जंग के असबाब क्या थे, क्या 19वीं सेंचुरी के आखिर में यूरोप में इतिहादों की तश्कील की बुनियादी वजूहात क्या थी, इसमें यह क्वेश्चन हो सकता है। तो इन इतिहादों की तश्कील का बुनियादी मकसद जो था वो म्यूचुअल प्रोटेक्शन था ताकि ममालिक अपनी सलामती को यकीनी बना सकें और जहरियत को रोक सकें। इसके अलावा यूरोप में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी और हरीफ ममालिक के दरमियान तनाव को कम करने के लिए भी ये इतिहाद बनाए गए थे। ट्रिपल इतिहाद के अंदर कौन से ममालिक शामिल थे, उसका मकसद क्या था, हमने इसको डिस्कस किया कि ट्रिपल इतिहाद में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे और इसका मकसद फ्रांस और रूस जैसे हरीफों के खिलाफ कौमी दिफा को मजबूत बनाना था। यहाँ पर भी क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रिपल एथनिक की तश्कील ने ट्रिपल इतिहाद की बढ़ती हुई ताकत का जवाब कैसे दिया था, तो हम यह कह सकते हैं कि ट्रिपल एथनिक की तश्कील ने बरतानिया, फ्रांस और रूस के दरमियान एक गैर रस्मी इतिहाद कायम किया जिसका मकसद जो था वो ट्रिपल इतिहाद की ताकत को मुतवाजन करना था और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के असर व रसूख के खिलाफ एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इतिहादी निज़ाम ने यूरोप में तनाव को किस तरह बढ़ाया, तो हमने स्टडी किया इतिहादी निज़ाम ने दो मुतजाद ताकत के ब्लॉक बना दिए थे जिसने हर तरफ यानी शको शुबे का माहौल पैदा किया और अगर एक रुकन मुल्क में कोई तनाज़ा होता तो उसके इतिहादी ममालिक भी जंग में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते। ठीक है, जिसने तनाज़ात को बड़ी सतह के ऊपर फैलने का मौका दिया। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था बिल्कानी जंगें 1912 से 1913, बिल्कान के इलाके को यूरोप का पाउडर केग कहा जाता है, हमने डिस्कस किया तो ये क्यों कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो बिल्कान को पाउडर केग कहा जाता था क्योंकि मुख्तलिफ कौमों, नस्ली ग्रोहों और सियासी मफादात के दरमियान शदीद तनाव और झगड़े मौजूद थे जो किसी भी वक्त एक बड़ी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकते थे। पहली बल्कानी जंग के दौरान बल्कानी लीग का बुनियादी मकसद क्या था, तो इसका बुनियादी मकसद उस्मानी सल्तनत को यूरोप से निकालना था ताकि इस इलाके की कौमें जो हैं वो अपनी आज़ादी हासिल कर सकें। पहली और दूसरी आलमी जो बल्कानी यानी जंगें थी उनके नतायज क्या थे, कि पहली आलमी जो बल्कानी जंग थी उसमें बल्कानी लीग ने उस्मानी सल्तनत को शिकस्त दी थी, हमने डिस्कस किया, तो उसके नतीजे में बल्कानी रियासतों ने ज़्यादातर जो सरजमीन थी वो हासिल की और दूसरी बल्कानी जंग में
बल्गारिया ने सर्बिया और यूनान के खिलाफ हमला किया, लेकिन उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में बल्गारिया ने अपनी सरजमीन खोटी और सर्बिया की ताकत में इजाफा हुआ। यानी बल्गारिया ने इसके नतीजे में अपनी सरजमीन खो दी थी और सर्बिया की ताकत में के अंदर इजाफा हो गया था। फिर बल्कानी जंगों ने सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के दरमियान तनाव में किस तरह से इजाफा किया था, तो सर्बिया की जो ताकत थी उसमें इजाफे ने ऑस्ट्रिया हंगरी को बेचैन कर दिया था, जिसने सरब कौम परस्ती को एक खतरा समझा। ये जो टेंशन थी ये दोनों मालिक के दरमियान झड़पों और तसादुम की वजह बनी, जो बाद में आलमी जंग की तरफ ले गया। उसके बाद पहली आलमी जंग के आगाज का पॉइंट हमने डिस्कस किया, इसमें हमने देखा कि आर्सेनिक फ्रेडिन कौन थे और उनके कत्ल को क्यों, यानी कि उनका कत्ल अहमियत रखता था। तो आर्सेनिक फ्रेडिन ऑस्ट्रिया हंगरी के ताज के वारिस थे, हम यह डिस्कस कर चुके हैं। तो उनका 28 जून 1914 को कत्ल होना पहली आलमी जंग की वजह बना था, क्योंकि इस कत्ल ने बेन अक्वामी तनाजात को बहका दिया था। फिर क्वेश्चन हो सकता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी का सर्बिया के लिए अल्टीमेटम क्या था और उनके जंग का ऐलान क्या सबब क्या बना। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को सख्त मुतालबात के साथ एक अल्टीमेटम जारी किया कि जब सर्बिया ने मुकम्मल तौर पर इन मुतालबात पर अमल नहीं किया तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसके बाद जर्मनी के ब्लैंक चेक ने ऑस्ट्रिया हंगरी के जंग के फैसले पर किस तरह से असर डाला था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई, जिसे ब्लैंक चेक कहा जाता है, और इसने ऑस्ट्रिया हंगरी की हौसला अफजाई की, क्योंकि वह सर्बिया के खिलाफ सख्त इकदाम करे, जिसका नतीजा जंग की सूरत में निकला। उसके बाद क्वेश्चन है कि इतिहादों का डोमिनो असर तनाजा के यूरोप में फैलने की बाइस कैसे बना था। तो जब रूस ने सर्बिया की हमायत में अपने अफवाज को मुतहरिक किया तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, ठीक है। और ये जो रद्द अमल था ये बाकी ममालिक को भी जंग में शामिल होने के लिए मजबूर कर गया, जिससे जो है वो पूरी यूरोप के अंदर जंग फैल गई। लास्ट में हमने पॉइंट डिस्कस किया कि पहली आलमी जंग के आगाज में शामिल होने के बुनियादी अवामिल क्या थे। तो बुनियादी अवामिल में हरीफ इतिहादों की तशकील थी, बल्कानी जंगें थी, कौम परस्ती की बढ़ती हुई लहर इसके अंदर शामिल थी, जिन्होंने तनाव में इजाफा किया और जंग के हालात को पैदा किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि बल्कान में कौम परस्ती ने यूरोप में तनाव बढ़ाने में क्या किरदार अदा किया। तो बल्कान में कौम परस्ती ने मुख्तलिफ कौमों की आज़ादी की ख्वाहिशात को बढ़ा दिया, जिसने इलाकाई तनाजात को जन्म दिया और यूरोप में एक बड़ी जंग के लिए एक साजगार माहौल फराहम किया। आर्सेनिक फ्रेडिन के कत्ल ने पहली आलमी जंग के आगाज में क्या किरदार अदा किया। आर्सेनिक के कत्ल ने मौजूदा तनाजात को चिंगारी फराहम की, जिसके नतीजे में ऑस्ट्रिया हंगरी के सर्बिया के खिलाफ इकदाम किया और आलमी जंग का आगाज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि इतिहादी निज़ाम ने एक इलाकाई तनाजे को आलमी जंग में कैसे तब्दील किया। तो इतिहादी निज़ाम की मौजूदगी ने एक आलमी तनाजा में शामिल ममालिक को जल्द ही एक दूसरे के साथ शामिल होने पर मजबूर किया, जिसने एक छोटी झड़प को आलमी जंग में तब्दील कर दिया। तो हमने डिस्कस किया कि क्या असबाब थे पहली जंग के, और इसमें हमने इतिहादों और मतदार इतिहादों की तश्कील के पॉइंट को भी डिस्कस किया है, बल्कानी जंगों को भी डिस्कस किया है, और पहली आलमी जंग के आगाज के असबाब क्या थे, इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो इन तमाम टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।